और असल हदफ यही है कि हम करबला पहुँचें, वजूद से भी पहुँचें, और असल यह है कि हम बातिन से करबला पहुँचें। और बातिन से करबला पहुँचने के लिए मैं आपकी खिदमत में चंद दिनों से गुजारिशात अर्ज़ कर रहा हूँ, और उसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी पिछली बातों को समेटते हुए कि ख़ुद इमाम ने दावत दी मक्का से निकलते वक्त कि अगर तुम अपने खून का बज़ल कर सकते हो, यानी अपनी जान को अपने हाथ पे रख सकते हो, तुम लका अल्लाह चाहते हो, खुदा से मुलाकात चाहते हो, तुम दुनिया से ताल्लुक तोड़ सकते हो, फल यरहल, तो फिर निकलो हमारे साथ। खूब ये इमाम ने शर्त बता दी है, हमारी इसी पर ही इन चंद दिन जो है वो इसी पर गुफ्तगू है कि जान हो सकता है शख्स अपनी हाथ में ले ले किसी काम के लिए, हो सकता है खुदा से भी मुलाकात चाहता हो सकता है दुनिया से भी ताल्लुक तोड़ दे, मगर इमाम के साथ ना हो तो कोई फायदा है नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? खूब यही तो सारी वजह थी। खूब बड़े बड़े लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। मौलाए कायनात ने एक शख्स के बारे में कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आए जंगे जमल में, क्यों नहीं आए? कहा मैंने एक आवाज सुनी, कहा मारे जाने वाले मरने जाने वाले दोनों जहन्नुमी होंगे, तो मैं रह गया। तो मौला ने कहा पहली बात तो ये कि तुझे क्या पता वो आवाज रहमानी थी या शैतानी थी, आवाज रहमानी थी या शैतानी थी, लेकिन बहरहाल जो भी थी बात सही थी, बात उसने गलत नहीं की। मारे जाने वाले भी उनके, मारने वाले भी उन्हीं के, दोनों जहन्नुमी हैं। खुद क्यों आदमी इस मकाम पे आवाजें सुन रहा है मगर नहीं पहचान रहा? क्यों नहीं पहचान रहा? क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि विलायत को उसके महवर से अलग कर दिया गया था। कितने जितने कलमे जो बुलंद हुए हैं वो क्या बुलंद हुए हैं? किताब हमारे लिए अल्लाह काफी, हमारे लिए किताब काफी। खूब ये नारे यही तो बुलंद थे। किसको डिलीट करना चाह रहे थे, किसको हटाना चाह रहे थे, क्या मसला था? दीन तो था, दीनदार थे, हाफिज थे, माथों पे मेहराबें थी, किस चीज को हटा रहे थे? विलायत, विलायत को हटा रहे थे। और ये इत्तफाकी नहीं था कि अचानक से हो गया तारीख में, ये प्लान था कि किस तरह इस विलायत को हटा रहे।